नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुरुआत करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में, जिसमें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अब फिल्म निर्माताओं यानी कि प्रोड्यूसर से भी पूछताछ की जाएगी। ये खबर आ रही है सुशांत के साथ काम करने वाले जितने प्रोड्यूसर्स थे, करंट और फॉर्मर, उन सब से पूछताछ करेगी ईडी। फिल्म निर्माताओं पर भी अब ईडी का शिकंजा। ईडी भेजेगी समन, इनसे भी पूछताछ की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में फिल्म मेकर दिनेश विजन का बयान दर्ज किया गया है। दिनेश विजन ने सुशांत के साथ राब्ता बनाई थी, इस फिल्म में सुशांत ने काम किया था। यही वजह है कि अब 8 घंटे की पूछताछ हो चुकी है दिनेश विजन से, और ईडी ने दिनेश विजन को समन भेजा था, जिसके बाद ये 8 घंटे की पूछताछ चली। सुशांत मामले में फिल्म निर्माताओं से भी अब पूछताछ की जाएगी, जिसमें दिनेश विजन शामिल हैं, और दिनेश विजन के बाद कई और ऐसे फिल्म निर्माता जिनके साथ सुशांत सिंह राजपूत काम कर चुके थे या फिर काम करने वाले थे। ईडी की यह पूछताछ संभव है। ईडी ने पहले भी पूछताछ की है, लेकिन अभी तक निर्माताओं से पूछताछ नहीं हुई थी। अब फिल्म निर्माताओं को भी इस पूछताछ में शामिल किया जा रहा है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, दिनेश विजन से 8 घंटे पूछताछ, और किन किन फिल्म निर्माताओं को समन भेजा जा सकता है इस मामले में? जी देखिए, अभी मैं आपको जैसा आज तक लगातार इस बारे में बता रहा है कि अभी बॉलीवुड का नंबर आ चुका है, और न सिर्फ ईडी बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी अब बॉलीवुड कनेक्शन पर जांच कर रही है। तो सुशांत की अगर बात करें तो सुशांत से जुड़े जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, पहले भी पूछताछ हुई थी, लेकिन अब ईडी पूछताछ कर रही है। जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल एंगल और खासकर पैसों को लेकर कोई जांच चल रही है, इस वजह से ईडी बुला रही है। जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स एंगल पर प्रोब कर रही है। इस वक्त मैं पवना इलाके में ही मौजूद हूं नेहा, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यहां पर होने वाली पार्टी पर नजर है। तो ईडी की बात की जाए तो ईडी अपने लेवल पर फाइनेंशियल एंगल पर जांच कर रही है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब ड्रग्स एंगल पर जांच कर रही है, और एनसीबी को कई ऐसे क्लू मिले हैं, खासकर रिया चक्रवर्ती के बयानों की बात की जाए या फिर फार्म हाउस के पास जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची थी। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, ये जो अब फिल्म निर्माताओं का नाम सामने आ रहा है, समन इन्हें भेजा जा सकता है, जिसमें राब्ता फिल्म के प्रोड्यूसर से ऑलरेडी पूछताछ 8 घंटे की हो चुकी है, क्या कुछ वजह रही है कि निर्माताओं को भी अब इसमें शामिल किया जा रहा है? मनी एंगल तो है ही, लेकिन इसके अलावा और क्या? जी देखिए नेहा, जो जानकारी हमें मिलकर आ रही है जांच एजेंसियों से, उनका ये कहना है कि वो सारे एंगल पे जांच करना चाहते हैं। मामला सुशांत की मौत को लेकर है, और इस मामले में सीबीआई ने सबसे पहले जो जांच शुरू की थी एफआईआर रजिस्टर करने के बाद, उनका कहना है कि इस वक्त उन्होंने सुशांत के जितने भी करीबी थे उनके बयान दर्ज कर लिए हैं, उनके घर में काम करने वालों के बयान दर्ज कर लिए हैं। अब वो इस एंगल पे जांच कर रहे हैं कि जिनके लिए वो फिल्म करना चाहते थे या जिन फिल्मों को उन्होंने किया हुआ था, उनसे पूछताछ कर उनकी मानसिक स्थिति को समझना चाहते हैं, और यह समझना चाहते हैं कि जो उनका फिल्मी करियर था उसमें आखिरकार क्या कुछ हो रहा था, क्या इसका कोई लिंक उनकी मौत से हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसीलिए आगे आने वाले समय में नेहा बहुत मुमकिन है कि इस मामले में बहुत सारे ऐसे फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म निर्माता हैं, जिनको कि यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, और उसके बाद में उनसे जानने की कोशिश की जा सकती है कि आखिरकार उनकी जो बातचीत हुई थी, फिल्मों को लेकर जो प्रोजेक्ट थे सुशांत सिंह राजपूत, उसको लेकर कैसे रिएक्ट किए थे, और आखिरकार क्या कुछ उनके प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एंगल जो है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का है। रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं, लेकिन अभी तक एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक सीबीआई के पास में नहीं पहुंची है, और जब तक वो रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी तब तक सीबीआई का ऐसा मानना है कि सारे एंगल्स को खंगाल लेना चाहिए,
रविवार के दिन एम्स की टीम अपना फाइनल ओपिनियन देगी, जिसमें साफ होगा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी या ये आत्महत्या का मामला था, और अगर आत्महत्या का मामला था तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था। इसीलिए सीबीआई इस वक्त जितने भी एंगल हैं उन सब पे जांच कर रही है। फिल्म निर्माताओं और फिल्म डायरेक्टरों के बयान दर्ज होना पहले से ही शुरू कर दिया है, और हो सकता है आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे फिल्म निर्माते हैं जिनके बयान दर्ज किए जाएंगे। जी हाँ, सुशांत मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीबी ने दरअसल पावना डैम में पार्टी को लेकर कुछ बड़ी जानकारियां हासिल की हैं। पावना डैम में मोटर बोट चला रहे जगदीश गोपनाथ दास ने एनसीबी को बयान दिया। अपने बयान में बोटमैन ने यह कहा कि सुशांत सिंह राजपूत अक्सर डैम पर आते थे। सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती उनके साथ होती थी, दोनों के साथ वो अलग अलग पहुंचते थे। सुशांत के साथ सारा अली खान, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक, जैद, रिया भी होते थे। ये लोग घंटों टापू पर वक्त बिताते। बोटमैन की माने तो ये सभी टापू पर नशा भी करते थे, और बयान के मुताबिक सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती कई बार आई हैं। सुशांत के साथ सारा अली खान 4 से 5 बार पहुंची हैं। सुशांत के साथ दीपेश सावंत और तमाम वो लोग जिनका अब इस ड्रग्स कनेक्शन में नाम सामने आ रहा है, वो सभी लोग इस आइलैंड पर पहुंचते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुशांत मामले की जांच में ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ तो धीरे धीरे रिया से जुड़े तार बॉलीवुड की गलियों तक पहुंचने लगे। कंगना ने बॉलीवुड को ड्रग वाला गटर कह डाला, बात संसद तक पहुंच गई। घमासान इतना बढ़ गया कि कंगना पर जया बच्चन का गुस्सा फूट पड़ा। कंगना ने भी अभिषेक और श्वेता बच्चन का नाम लेकर जया बच्चन को निशाने पर लिया। नशे की दवाइयाँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है इंडस्ट्री टू स्टॉप यूजिंग सच। जया बच्चन का ये गुस्सा कंगना रनौत पर निकल रहा है, रवि किशन पर बरस रहा है। जया बच्चन जिस थाली की बात कर रही है वो दरअसल बॉलीवुड है, जहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी बिता दी। इसलिए अदाकार से सांसद बनी जया बच्चन बॉलीवुड को गटर कहने वालों पर बरस पड़ी। टू स्टॉप यूजिंग सच लैंग्वेज। जया बच्चन के इस गुस्से के पीछे कंगना रनौत का वो मोर्चा है जो उन्होंने बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के खिलाफ खोला हुआ है। 26 अगस्त को एक ट्वीट में कंगना ने बॉलीवुड को गटर कहा था। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जाँच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को भी साफ करेंगे। इतना ही नहीं, कंगना बॉलीवुड को बॉलीवुड कह रही हैं, कभी मूवी माफिया तो कभी गटर बता रही हैं। कंगना के ये तीखे शब्द जया बच्चन को चुभ गए और उनका गुस्सा तब और बढ़ गया जब लोकसभा में रवि किशन ने भी कंगना के सुर में सुर मिलाए। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय सर, पीपल हु हैव मेड देयर नेम इन दिस फिल्म इंडस्ट्री हैव कॉल्ड इट अ गटर। I completely disagree and I really disassociate and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you.
दिल्ली में जया बच्चन ने राज्यसभा से आवाज बुलंद की तो मनाली से कंगना रनौत ने जवाब देने में देर नहीं की। कंगना ने सीधे जया बच्चन के परिवार का नाम ले लिया। जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को मारा जाता, ड्रग्स दिए जाते, उसका शोषण किया जाता, तब भी आप यही कहती? अगर अभिषेक को धमकाया जाता, उन्हें लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो फंदे से लटके पाए जाते, तो भी आप यही कहती? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। It's a shame, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। पहली बात तो जया जी ने मेरे व्यक्तित्व को सुना ही नहीं। पूरी इंडस्ट्री तो लेती नहीं ड्रग्स, यह गलत बात। अगर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। चुनिंदा लोग ले रहे हैं, उसमें नाम चुकी एक्टर्स हैं, तुरंत अखबार बिकता है, एक्टर्स हैं, हेडलाइन बिकती है, एक पॉपुलैरिटी बिकती है, तो उस हिसाब से, लेकिन पूरी इंडस्ट्री नहीं ले रही। और मेरा कल मेरी पीड़ा यही थी पार्लियामेंट में कि मेरी इंडस्ट्री को बचाना, द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, कौन है कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री को तोड़ना चाह रहा है। साफ है कि ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड पर जो इल्जाम लग रहे हैं उसने बॉलीवुड को दो धड़े में बांट दिया है। ड्रग की बदनाम गलियों में बॉलीवुड के कितने नाम हैं ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये तकरार फिल्म इंडस्ट्री की सेहत के लिए हानिकारक है। जैसे ही मैं घर से भागी, डेढ़ दो साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। दिल्ली से पौलोमी साहा और मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत ने इस बार करण जौहर को निशाने पर लिया है। दरअसल कंगना ने ट्वीट में लिखा है कि फिल्म इंडस्ट्री करण जौहर और उनके पापा ने नहीं बनाई है। कंगना ने लिखा कि दादा साहब फाल्के से लेकर हर काम करने वाले मजदूर ने ये इंडस्ट्री बनाई है, इसलिए करण जौहर जैसे लोग इस मुगालते में ना रहे कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया है। हर कलाकार, हर मजदूर इस इंडस्ट्री के लिए जिम्मेदार है। उनकी मेहनत से आज इस इंडस्ट्री को दुनिया जानती है, करोड़ों देशवासियों ने इंडस्ट्री बनाई है। तमाम बातें कंगना ने अपने ट्वीट में कही हैं। और इससे पहले भी आपको बता दें कि एक वीडियो में नेपोटिज्म को लेकर वो करण जौहर का सीधे तौर पर नाम ले चुकी हैं और बार बार वो करण जौहर पर निशाना साधती रही। तो कंगना और जया बच्चन के घमासान में शिवसेना सांसद संजय राउत भी अब कूद पड़े। संजय राउत ने कहा कि जया बच्चन ने कुछ भी गलत नहीं कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता सांसद संजय राउत। संजय जी, कल रवि किशन ने सवाल उठाया कि इंडस्ट्री में बहुत से लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो ड्रग ले रहे हैं, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को टारगेट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ड्रग जो है चाइना और पाकिस्तान से आ रही है, इसको रोकना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को इंडस्ट्री के लिए। महाराष्ट्र सरकार को रोकना चाहिए, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान से आता है, बॉर्डर स्टेट कौन सा है? हाँ, अफगानिस्तान से आता है और किसी देश से आता है तो सीधे तो नहीं जाता है ना महाराष्ट्र में। और भी बीच में सात आठ राज्य लगता है, दिल्ली भी लगता होगा। और जो ये ड्रग्स का पूरा कारोबार रोकने के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी बनी है एनसीबी, जो आप मुंबई में जाकर बैठे हैं, उनका जिम्मेदारी नहीं है। हर बार आप महाराष्ट्र 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 यूपी बिहार बॉर्डर स्टेट नेपाल से आता है, आप उनके बारे में जरा पूछिए वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, पूरी तरीके से खेल ही है ना, उसको लेकर अब ड्रग्स के ऊपर ही आ गया कि पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स लेती है। जया बच्चन ये कह रही हैं कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन जी ने क्या गलत कहा? जया बच्चन जी ने पूरी देश की भावना को सदन में व्यक्त किया है। मुझे लगता है इंडस्ट्री आज चुप है, एक ऐसा माहौल बन गया है कि सब लोग बोलने से, अपनी भावना व्यक्त करने से थोड़े से डरते हैं। इस प्रकार का माहौल उस वक्त इमरजेंसी में था कि लोगों के मन में बहुत कुछ है, तूफान है, बोलना चाहते हैं सच, लेकिन बोलने से कतराते हैं। फिर भी उस वक्त ऐसे बहुत से कलाकार थे जिसने इस प्रकार की दहशत, अज्ञात दहशत जो पर्दे के पीछे नियंत्रित करने वाले कुछ लोग थे, उनको ठुकरा दिया। किशोर कुमार, मैं नाम लेकर बोलता हूँ, किशोर कुमार और ऐसे बहुत से कलाकार थे, बात माने नहीं, जो बोलना था बोलते थे, कुछ लोग जेल में भी चले गए,
रवि किशन क्यों ये सवाल उठा रहे हैं, कंगना का साथ दे रहे हैं वो? मुझे मालूम नहीं। देखिए, जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, आरोप करते हैं, मुझे लगता है वो सबके डोपिंग टेस्ट करने चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स में होता है, बड़े ओलंपिक हो, एशियाड हो, या नेशनल लेवल पे, या इवन क्रिकेट, हाँ, बहुत ही मस्ती से खेलने को आते हैं और डोपिंग टेस्ट जब होता है तो उनकी ये ऊर्जा कहाँ से आ गई, उसमें इतनी ताकत, जो इवन बॉक्सर्स, ये डोपिंग टेस्ट अब सबकी होनी चाहिए। और कंगना के आरोपों पर बॉलीवुड बढ़ चुका है। कई कलाकारों को बॉलीवुड को गटर कह जाने और मूवी माफिया जैसे शब्दों पर एतराज़ है। इसीलिए जब इंडस्ट्री की सीनियर रही जया बच्चन ने कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला तो कई कलाकार उनके समर्थन में दिखाई दिए। उड़ता बॉलीवुड, पीछा करते इल्जाम, ड्रग्स के चक्कर में बॉलीवुड बदनाम, दम मारो दम के आरोपों में कितना दम। जैसे ही एक ही ब्रश के साथ पेंट करते हैं तो आप सबके बारे में जरा सोचिए। मुझे पता नहीं क्यों इन सबके पीछे एक बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट लगता है। बॉलीवुड के चंद दिग्गजों के खिलाफ कंगना ने आरोपों की जो पिक्चर रिलीज की उसने बॉलीवुड को दो धड़े में बांट दिया है। एक के बाद एक कंगना लगातार ट्वीट पर बॉलीवुड की बखियां उखेड़ रही हैं। ये ट्वीट उसकी बानगी है। मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आर्यन मुखर्जी और विक्की कौशल से ड्रग टेस्ट के लिए अपने रक्त के सैंपल देने का अनुरोध करती हूँ। ऐसी अफवाहें हैं कि वे कोकीन का नशा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि वे इन अफवाहों का भांडा फोड़ करें। ऐसा कर वे लाखों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। कंगना ने ट्विटर पर पोस्ट करते समय भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया है। सुशांत की मौत के बाद से ही कंगना ने बॉलीवुड दिग्गजों के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है। कंगना बॉलीवुड को बॉलीवुड और मूवी माफिया कहती हैं। कंगना के यही तेवर फिल्मी दुनिया के लोगों को रास नहीं आ रहे। बाकी सारे क्षेत्र में जैसे है वैसा ही है, कंपेटिटिव है, कट थ्रोट है, लेकिन हम निपट लेते हैं। लेकिन इसको एक ब्रश, जैसे ही आप कहते हैं कि यहाँ ड्रग्स का पूरा व्यापार है, तो जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ आपका टीवी देख रहा है वो मुझे देखता है तो उसको लगता है कि कोई ड्रग का जो है गोदाम आ रहा है ना, तो उसको लगता है जैसे कि कांचा सेठ मनोज वाजपेयी है ना। तो ये जो जब इस तरह से बात हो रही है तब मुझे लगता है कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसमें बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है कि इस तरह के राग अलापे जा रहे हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि कंगना के मुंबई को पीओके बताने वाले ट्वीट पर भी बॉलीवुड ने कंगना को आंखें दिखाई। अब जब जया बच्चन ने खुद कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला तो उन्हें समर्थन देने के लिए तापसी भी मैदान में आ गई। हम लोग हमेशा नई पहल, वजहों और जागरूकता अभियानों के लिए खड़े रहे हैं। अब यह पेबैक का टाइम है। इस बार फिर इंडस्ट्री की महिला ने अपनी आवाज बुलंद की है। तापसी पन्नू के अलावा डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अनुभव सिन्हा ने जया बच्चन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जया जी को सादर प्रणाम भेजता हूँ, जिनको पता नहीं वो देख लें, रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. साफ है कि कंगना बॉलीवुड में जिस स्वच्छता अभियान की बात कह रही हैं, उसे लेकर फिल्मी दुनिया में अलग अलग राय है। कंगना के शब्दों को लेकर भी कलाकारों की नाराजगी है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत के ट्वीट से जुड़ी हुई खबर है जिसमें उन्होंने करण जौहर को निशाने पर लिया है। कंगना ने ट्वीट में दरअसल ये लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री करण जौहर और उनके पापा ने नहीं बनाई। कंगना ने लिखा कि दादा साहब हल्के से लेकर हर काम करने वाले मजदूर ने ये इंडस्ट्री बनाई है। सरहद की रक्षा करने वाले फौजियों ने इंडस्ट्री बनाई है। टिकट खरीदने वाले हर नागरिक ने ये इंडस्ट्री बनाई है।
अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।